दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M42 5G के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने नया डिवाइस लॉन्च किया है, सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। दोस्तों सैमसंग ने यह फ़ोन 5G में लॉन्च किया है, जो सबसे कम बजट वाला सैमसंग का 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और जानते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इस मोबाइल की करते हैं हम अनबॉक्सिंग। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिल रहा है इसका डिवाइस की बाद में बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद इसके चार्जर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसका चार्जर की बात करते हैं, तो इसमें आपको 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है कंपनी ने। इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी अगर बैटरी की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का वर्जन मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें आपको 5G वाईफाई का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर इसके हम ब्लूटूथ डिवाइस की बात करते हैं, तो इसमें आपको YES V5.0 ब्लूटूथ डिवाइस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके प्रोसेसर की हम बात करते हैं, तो इसमें आपको सैमसंग का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, जी हाँ दोस्तों इसमें आपको क्वालकॉम 750G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसकी वेरियंट की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, जो कि इसमें आपको 6GB एंड 128GB के साथ, दूसरा वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 8GB 128GB के साथ। तो दोस्तों इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, दो सिम के अलावा आप एक मेमोरी कार्ड भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी स्क्रीन साइज़ की बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.60 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि एमोलेड स्क्रीन कंपनी ने दी है। दोस्तों इसके कलर वेरियंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको प्रिज्म डॉट ब्लैक और प्रिज्म डॉट ग्रे, ये दो कलर वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो कि तो देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। दोस्तों इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हैं, अप टू 1TB के साथ इसमें मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इसके कैमरे वर्जन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपको जो रियर कैमरा दिया हुआ है, इसमें आपको मिलेगा 48 MP का। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें आपको 8 MP एंड 5.5 MP का भी इसमें एक्स्ट्रा कैमरा देखने को मिलेगा। और इसके जो फ्रंट कैमरे की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपको 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, सेल्फी के लिए बेस्ट कैमरा फ़ोन होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपको ओक्टा कोर 2.2 GHz ड्यूल कोर प्लस 1.8 GHz हेक्सा कोर के साथ यह फ़ोन आपको देखने को मिल रहा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसकी बैटरी की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें 5000 mAh की बैटरी कंपनी ने दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट दिया है। मैन्युफैक्चरिंग की वारंटी इसमें आपको 1 ईयर की मिल जाएगी। तो इसके अगर आप वेट की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको 193 ग्राम वेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब फील देता है आपके हाथ में।
इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी हाइट की बात करते हैं, तो इसके अंदर इसके जो हाइट है इसकी 64.4 mm हाइट कंपनी ने दी है। तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको 5G ड्यूल मोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें आपको 4G, 3G एंड 2G बैंड भी अभी ने दिए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ड्यूल नैनो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन भी कंपनी ने दिया है। तो दोस्तों अगर आपको फ़ोन पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम जल्दी ही आपके लिए बहुत सारे गिव अवे लाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ यूनिक प्रोडक्ट के साथ।